दोस्तों दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि दशाएं महादशाएं अपना असर करती हैं, वर्षफल अपना असर करता है, ग्रह गोचर बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपकी जिंदगी में आने वाला अरसा कैसा होगा, क्या चीजें घटित होने वाली हैं या होंगी, उसका एक बेसिक सा प्लान जो होता है वो ट्रांजिट के ग्रह करते हैं। देखो दशाएं महादशाएं तो ये डिसाइड करती हैं कि जी शादी का योग बनेगा कि नहीं बनेगा, किस दशा में आप अर्निंग शुरू करोगे या कोई दशा आपको खराब करेगी। लेकिन जो बेसिक इवेंट्स जो होते हैं ना, जिसे हम इवेंट एस्ट्रोलॉजी बोल देते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो डिसाइड करते हैं ग्रह गोचर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है राहु केतु शनि और बृहस्पति का गोचर। कारण क्या है कि इसका गोचर जो होता है वो काफी लंबा अरसा रहता है। शनि 2.5 साल, बृहस्पति 13 महीने और राहु केतु अप्रॉक्सीमेट 1 1/8 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल रहते हैं। तो इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे, मीन लगन की बात करेंगे। मीन लगन वाले अभी तो पिछले 2 साल से तो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय भी नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक है, लाइफ चल रही है उनकी। पर जैसे ही किसी की 6.5 सती उतरती है तो किसी के ऊपर चढ़ जाती है। तो 6.5 सती का आरंभ जब शुरू होता है तो इंसान जो होता है अपने कर्मों का हिसाब पूरा करता है, एक सर्कल जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसी टॉपिक में बात है मीन की। तो मीन लगन में 2025 की 26 मार्च, याद रख लो 2025 की 26 मार्च के बाद मीन लगन वालों के लगने वाले हैं। देखो तो मैं जो बात करूंगा वो करूंगा स्पष्ट, क्योंकि तो हम हैं प्रैक्टिकल इंसान, बात करते हैं फतेह की अच्छी। अच्छा किसी को, अब किसी को अगर मैं घुमा फिरा के बातें करूंगा ना तो उससे मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। प्रैक्टिकल बातें करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं भी आप जैसा ही हूँ। देखो कोई ये गुरु वाली बात नहीं होती, जो इंसान होता है उसे वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है थोड़ा सा प्रोफेशन दिखाना चाहिए, लेकिन यार बातचीत में आपको थोड़ा सा भी हेर फेर दिखेगा ना तो आपको लगेगा कि मैं आपकी आपकी बात ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए मीन लगन वालों के 2025 की 26 मार्च के बाद देखो राहु इनके लगन में चल रहा है, पहले से ये समस्या में चल रही हैं। राहु लगन में आके इनकी जॉब नहीं स्टेबिलिटी देता, मेंटल अपसेशन जो है वो बन जाती है, बदनामी होनी शुरू हो जाती है, पार्टनर के साथ बनती नहीं है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब से राहु इनके लगन में आया हुआ है। अब ऊपर से इसके राहु का ही गुरु शनि जो है वो भी लगन में आने वाला है। लगन में कब आएगा, 26 मार्च की 2025 को। अब राहु और शनि दोनों मिलके बन जाएंगे प्रेत का श्राप, मतलब कि लाल किताब में बोला गया है प्रेत श्राप। शनि ऑलरेडी नीच का लगन के अंदर, राहु ऑलरेडी सूर्य को ग्रहण लगाने वाला और आपके शरीर के ऊपर शनि राहु का संबंध। तो भाई 2025 से लेके 2027 तक लगने वाले हैं आपके इस पीरियड के अंदर। शादी अगर आपकी हो चुकी है तो संभाल लेना, अगर नहीं हुई है तो 2 साल डिले हो जाएगी, अगर एंगेजमेंट कर रखी है तो वो टूटने की कगार पे आ जाएगी। ये है शनि, शनि का फल, शनिचर का फल। प्रॉपर्टी अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो वो बिक जाएगा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है तो 2 साल के लिए रुक जाओ, नहीं तो पिता को कष्ट आ जाएगा। कोई भी ऐसी रेनोवेशन का काम जो है वो मत करना, क्योंकि इस पीरियड के अंदर आप प्रॉपर्टी जो है वो बनाओगे या कोई मकान बनाओगे या अपना मकान बेचोगे। कारण क्या होता है, जब मकान बिक जाता है तो शनि नीच का फल देना शुरू कर देता है, और अगर आप मकान बना लोगे तो शनि ऑलरेडी नीच का है लगन के अंदर तो वो स्थापित हो जाएगा। वह 2 साल आपको आर्थिक मानसिक शारीरिक तीनों के तीनों कष्ट आप देखने को आपको फेस होंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि 2 साल प्यार से निकालना, कहने का भाव होता है लेकिन निकलते नहीं है, उसके अलग से उपाय करने पड़ते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है मीन लगन की, देखो बृहस्पति आपका 3 चल रहा है, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। तो शादी के अगर आपको अभी रिश्ते आ रहे हैं तो 2025 के 26 मार्च से पहले पहले शादी कर लो। अगर शनि लगन में आ गया तो बृहस्पति तो प्रॉमिस कर रहा है शादी आपकी, लेकिन शनि लगन में आने के बाद आपकी शादी जो है वो रुक जाएगी या लंबी चली जाएगी। और जिनकी शादी को 15 15 साल हो चुके हैं, 8 8 साल हो चुके हैं, तो उनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। अभी नहीं बढ़ेंगी, जब तक बृहस्पति 3 बैठा हुआ है ना तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव के होने के कारण, आपका सप्तम भाव पे होने के कारण आपकी शादी टिकी हुई है अभी तक। लेकिन जैसे ही शनि लगन में आएगा तो पर्सनैलिटी में एक उल्टा फेर शुरू हो जाएगा, जिस कारण से आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक
सभी समस्याएं आपको शनि देने वाला है। तो इस पीरियड का जो मेन मोटिव है कि अगर आपको महादशा भी शनि की लगी हुई है तो ये आपको और तकलीफ देगा, अगर राहु की महादशा है तो और ज़्यादा तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। तो इस पीरियड के अंदर नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा, शनि की जो चीज़ें होती हैं वो मत करना, ब्लैक और ब्लू कलर जो है वो अवॉइड करना, और जितना हो सके दूसरे लोगों की मदद करना। जितने भी ये ब्लाइंड आश्रम होते हैं वहाँ पर जाके अपनी सेवाएँ दें, जितने भी कहीं ना कहीं कुष्ठ आश्रम होते हैं वहाँ पर अपनी सेवाएँ दें, और किसी से बहस मत करें, जीवन में अपने आप को एक दिशा दिखाएं, मोटिवेट रहें, तभी आप ये 2 साल निकाल पाओगे, अदरवाइज समस्या आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि मीन लगन वालों को थोड़ा सा संचित होना पड़ेगा, समस्याएं जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो बाकी पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए बात करिएगा, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिएगा।